नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाईलाइट को कवर करते हैं। KYC सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग अपडेट्स आ चुके हैं, कुछ टेक्निकल अपडेट्स है वो भी हम कवर करेंगे। बिटकॉइन वर्सेस पाई नेटवर्क किस तरीके से बिटकॉइन से बेहतर होने वाला है ये आप सभी को पता चलेगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Web 3.0, बैंकिंग सिस्टम एंड फ्यूचर एंड ग्रोथ के बारे में प्रॉपर पता लगने वाला है। शॉप्स एंड रेस्टोरेंट स्टार्ट हो चुके हैं पाई नेटवर्क के नेम से और आप सभी अभी रिसेंटली बाय कर सकते हो डिफरेंट फोन्स और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो भी पाई के कॉइन के बिहाफ पे, जिसके मैं आप सभी को अभी लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उसके साथ कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है वो भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी क्रिप्टो के और पाई नेटवर्क के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फर्स्ट अपडेट के अंदर KYC की बात की जा रही है। पाइनियर्स हु स्टार्ट माइनिंग पाई इन 2019 हैव रिसीव KYC एंड रिसेंटली वेरीफाई इट, हाउ इज योर डूइंग नाउ। तो बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जिन्होंने 2019 के अंदर स्टार्ट किया था पाई नेटवर्क को, जब वो स्टार्टिंग में आया था, और अभी ऑलमोस्ट सभी को 4 साल से ऊपर हो चुके हैं जो ओल्ड पाइनियर्स हैं। तो हाल फिलहाल के अंदर अब सबकी जो KYC है आई होप सो कि वेरीफाई हो रही है, और अभी कुछ ऐसे रेशियो निकल के आते हैं जिसमें कि जो नए पाइनियर्स हैं उनकी KYC जल्दी वेरीफाई हो रही है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस वाले हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों हमें देखने को मिल रहा है? जो नए वाले हैं तो अभी क्या चल रहा है कि पाई नेटवर्क ने जो अपना एल्गोरिदम है वो चेंज करा है, मतलब वो स्ट्रिक्ट कर रखा है कि अगर आपके नेम में कोई गलती होती है या आपने सही से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा या आपने सही वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा या फोटो क्लियर नहीं है, ठीक है, रिलीजन क्लियर नहीं है, कौन सी कंट्री से आप अपलोड वगैरह कर रहे हो, तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है, स्टक हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि जिसके पास जो पुराने पाइनियर्स है रिसबमिट का बटन आ रहा है या मोस्टली लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है, तो जिसका पास आ रहा है रिसबमिट का बटन, तो वो सभी लोग सही तरीके से फॉर्म को फिल करें, उनका वेरीफाई हो जाएगा। और सभी को यही चीज़ का ध्यान रखना है जो नए पाइनियर्स अभी एक तरीके से एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं KYC के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम कुछ टेक्निकल मेंटेनेंस की बात करते हैं। द मॉडरेटर मोड ऑफ द चाइनीज चैट रूम रिमाइंड्स पाइको टीम विल कंडक्ट सर्वर साइड मेंटेनेंस एट अराउंड 11 AM कैलिफोर्निया टाइम ऑन January 11th। तो यहाँ पे एक टाइम शो किया जा रहा है जो कि 11 January का है, और ये अमेरिकन टाइमिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि आप देख सकते हो कैलिफोर्निया का लिखा है, और यहाँ पे 11 o'clock की बात की जा रही है, जहाँ पे सर्वर मेंटेनेंस बेसिकली किया जाएगा। और इस चीज़ को पाइको टीम ने ऑफिशियली यहाँ पे बताया है, जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये लैंग्वेज यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, यहाँ पे और लिखा गया है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट बिटवीन 1 to 2 hours, मे बी एक्सटेंडेड डिपेंड ऑन प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। तो यहाँ पे 1 to 2 hours लग सकते हैं इस मेंटेनेंस के अंदर, और ऑटोमेटिकली मतलब ये मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगा 1 to 2 hours के अंदर। और थोड़ा अगर ज़्यादा मेंटेनेंस होता है तो आप सभी को थोड़ा और वेट करना यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट इससे आपको कोई उतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। ओवरऑल ये कुछ कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल ठीक किया जा रहा है। वो ठीक इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यूज़र्स डे बाय डे पाई नेटवर्क के साथ बढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ को मेंटेन किया जाता है, हर एक चीज़ को ब्लॉकचेन के थ्रू, नोड्स के थ्रू, और ओवरऑल जो कोडिंग या सर्वर्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे कि अभी रिसेंटली 2 निकले हैं जो पाई के हैकटन के विनर्स थे, एक डाबिया करके है, एक पैरेट्स करके है, जो आप सभी को मैंने दिखाया था। पैरेट्स के अंदर बेसिकली गेमिंग के रिगार्डिंग है, और डाबिया के अंदर जो पाईचैन मॉल होता है, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, मतलब कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को और डिटेल में बनाया जा रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है, और गेमिंग करके भी आप अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर सकते हो। और पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली भी इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे पोस्ट करा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, पाई नेटवर्क का ऑफिशियल है ये। एंड गाइस अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के थ्रू जो टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Web3 के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, और फ्यूचर एंड ग्रोथ के बारे में। तो बताया जा रहा है पाई नेटवर्क इज़ अ हाईली प्रोमिसिंग क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट। पाई नेटवर्क एफर्ट्स टू कन्वर्ट पाई इंटू Web3 करेंसी आर अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ मैनी इन्वेस्टर्स एंड यूजर वाइडली। जैसा कि आप सभी को पता है 2019 के अंदर पाई नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, और अभी हाल फिलहाल के अंदर इसके पास एक ग्लोबल रीच है, मतलब ये ऑल ओवर जो वर्ल्ड है हर जगह पे ये पॉपुलर है, हर कंट्री से इसके
कुछ ना कुछ पाइनियर्स हैं और अच्छे खासे पाइनियर्स हैं। और यहाँ पे ये जो मेजरली काम कर रहा है ये वेब थ्री पे काम कर रहा है, और जो एडवांस चीज़ें हैं वो वेब थ्री ही हैं। जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर जो एडवांस आती है, एप्लीकेशंस की हम बात करें, ट्रांजेक्शन्स की हम बात करें, वो सारा वेब थ्री के अंदर काउंट होता है। जो अभी हाल फिलहाल के अंदर एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो वो वेब टू के अंदर है। पाई नेटवर्क हैज़ क्रिएटेड अ लार्ज कम्युनिटी वेयर पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड अर्न रियल पाई मनी। इन एडिशन Pi Network is working to convert Pi into local legal currency through events similar to Pi Fest. अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि दिसंबर के महीने में आप सभी को Pi Network का Pi Fest देखने को मिला था, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग locations के अंदर आप Pi Network के थ्रू different items को buy कर पा रहे थे, ठीक है, अच्छे खासे items को, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर ये अभी भी चल रहा है, मतलब कहीं पर अब आ जाते हो, चाहे हम नाइजीरिया की बात करें, USA की, कैलिफोर्निया की, या और भी अदर कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर जाके आप प्रोडक्ट को बाई कर पाते हो बार्टर सिस्टम के थ्रू या नॉर्मल एक्सचेंजेस के थ्रू। बट कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको प्रॉपर वैल्यूएशन भी देखने को मिला था कि आप हमें इतने कॉइन्स दे दो, हम आपको इतने डॉलर्स दे देंगे या इतने INR के अंदर दे देंगे, जो भी जिस कंट्री की फिएट करेंसी है उसके अंदर आप कन्वर्ट कर पाओगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है, मोर ओवर फायर साइड पाई प्रिडिक्ट दैट पाई नेटवर्क विल ऑल्सो कोलैबोरेट विथ मेजर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वर्ट पाई कॉइन इनटू करेंसी थ्रू डिजिटल बैंक। यहाँ पे बताया जा रहा है फायर साइड फोरम के थ्रू कि ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं कि हम बेसिकली कोलैब करेंगे उन मेजर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसके थ्रू आप पाई कॉइन को ईजिली कन्वर्ट कर पाओगे, जो डिजिटल बैंक के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने डेबिट कार्ड के थ्रू कन्वर्ट करना है, या नॉर्मल फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है, या आप सभी को क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। और रिसेंटली कुछ महीनों पहले ब्लॉकचेन के थ्रू आप सब ने इसके बारे में इंटरनल कोडिंग्स वगैरह देखी थी, जो मैंने आप सभी को कुछ महीने, मतलब कि लास्ट महीने मैंने आपको दिखाया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हाउएवर प्लीज़ नोट दैट कन्वर्टिंग पाई इंटू वेब थ्री करेंसी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है बहुत ईजी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक तरीके से प्रोसेस है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अभी ये धीरे धीरे करके इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, और आने वाले कुछ सालों के अंदर आप सभी को इसकी रियल रियलिटी के बारे में पता चलेगा। जिस तरीके से अभी 2023 के अंदर लास्ट ईयर ChatGPT बहुत पॉपुलर हुआ था, AI बहुत पॉपुलर हुआ था, और इससे बहुत सारे काम आसान भी हुए थे, और धीरे धीरे करके इसका एक से एक एडवांस वर्जन आता जा रहा है। उसी हिसाब से वेब थ्री भी है, जो कि फाइनेंशियल चीज़ों को हिट करेगा। जो अभी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उनको ये हिट करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। एंड गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन वर्सेस पाई नेटवर्क के बारे में, कि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, और आप सभी को पाई नेटवर्क से क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, अनलिश पोटेंशियल कंपैरिजन पाई कॉइन एंड बिटकॉइन। जैसा कि आप सभी को पता है, जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में माइन किया जा रहा था, तो उस टाइम पे अच्छा खासा एक्सपेंस लगता था, तब जाके आप उसको माइन कर पा रहे थे, और उस टाइम पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि फ्यूचर में जो बिटकॉइन का वैल्यूएशन है वो हमें बेहतरीन देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में वो कुछ पैसों में लॉन्च हुआ था, धीरे धीरे करके आज के टाइम में आप जानते हो उसका वैल्यूएशन कितना ज़्यादा है। उसी की वजह से ओवरऑल हम क्रिप्टो करेंसीज को जानते हैं, ठीक है, जिसमें अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आती है, चाहे हम बात करें डॉज कॉइन की, इथेरियम की बात करें, या XRP की बात करें, और भी जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है। उसी को देखते हुए पहली जो क्रिप्टो करेंसी आई थी, क्योंकि बिटकॉइन को माइन करना तो आप सभी को पता है कि अच्छा खासा एक्सपेंस चाहिए, बट हर बंदे के पास उतना खासा अच्छा खासा एक्सपेंस नहीं है, हर बंदे का सिस्टम नहीं है। बट सबसे बेनिफिट क्या हुआ इंडिया के अंदर या और भी आउटसाइड कंट्री के अंदर, जिस हिसाब से इंडिया के अंदर इंटरनेट सस्ता हुआ था, उसके बाद से ही आप सभी को पता है मैक्सिमम लोग फ़ोन पे जुड़ना स्टार्ट हो चुके थे, और सभी को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो चुका था फ़ोन से। जिसको अर्न करना है वो फ़ोन से भी अर्न कर पा रहा था, और यहाँ पे फ़ोन से ही अब क्रिप्टो को आप ऑपरेट कर पा रहे थे। पहले आपको प्रॉपर सिस्टम वगैरह चाहिए था, और फ़ोन से ही आप माइन कर पा रहे थे। ये सबसे बड़ी चीज़ पाई नेटवर्क ने यहाँ पे करी थी। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है, इन टाइम्स वेन अदर प्रोजेक्ट फेस चैलेंजेस, पाई नेटवर्क स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद इमेंस पोटेंशियल। एक्सप्लोर द स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाई नेटवर्क एडमिस्ट द सराउंडिंग फंक्शंस। अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो बहुत अच्छा खासा कर रही है, बट वो एक स्पेसिफिक फील्ड में ही कर रही है, मतलब कोई फाइनेंस की फील्ड में कर रही है, उसके अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे वो काम नहीं कर रही। बट पाई नेटवर्क को आप देखोगे, ये फाइनेंस के साथ तो काम कर ही रहा है, बट उसके साथ और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, चाहे बात करें हम इसकी मेटावर्स की, NFT, ठीक है, DeFi, या और भी डिफरेंट चीज़ों पे, ठीक है।
बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग पाई कॉइन हैज़ नेवर बीन मोर एंटिंग स्पेशली ऑन पाई ब्रिज द वर्ल्ड लीडिंग पी टू पी पाई कॉइन एक्सचेंज द विब्रेंसी एंड हाई लिक्विडिटी ऑफर आइडिया अपॉर्चुनिटी फॉर सेवी इन्वेस्टर्स टू डेल्व इन टू द पाई कॉइन मार्केट। तो अभी आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो पाई नेटवर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम कर रहा है वो पी टू पी है कि इसी के थ्रू वो लीड करेगा प्रॉपर तरीके से। वो इसीलिए करेगा क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम UPI के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कोई भी 1% का चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, किसी को 1 रुपये भेजना है, किसी को 1,00,000 रुपये भेजना है, वो इजीली सेंड कर पाता है। इसी के जगह पे अगर हम इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं या हम US डॉलर्स में पेमेंट को रिसीव करते हैं तो उसमें हमें चार्जेस देखने पड़ते हैं। अगर आप मान लो कोई आपका फ्रेंड है वो आपको क्रिप्टो भी सेंड करता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आपको किसी भी एक्सचेंज के थ्रू आता है, मान के चलो बाइनेंस पे आया, ठीक है, तो उसमें पहले चार्जेस वगैरह भी करते हैं। अगर उसने आपको सेंड किया है तो कोई चार्जेस करते हैं, $1-2 के आसपास चार्जेस करते हैं, डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना है। उसके बाद अगर आप उसको एक तरीके से वापस किसी और को सेंड करते हो फिर भी चार्जेस कटेंगे। उसके साथ अगर आप अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल करते हो तब भी चार्जेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म चार्जेस आपको यहाँ पे देखने को ही पड़ते हैं। और बाकी अगर आप अर्न करते हो तो गवर्नमेंट को तो आपको पता ही है कि TDS वगैरह देना ही पड़ता है। अभी थोड़ी जो गवर्नमेंट है थोड़ी बिगड़ी हुई है एक्सचेंजेस को लेकर, जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी कि बाइनेंस या जो भी टॉप के अलग अलग 9 एक्सचेंजेस हैं उन सभी पे इलीगल तरीके से अभी मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। बट इन सभी को आई होप सो कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए क्योंकि जो प्रॉपर पोटेंशियल है इन्हीं सब के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ बताई जा रही है कि डायनेमिक P2P मार्केट की बात की जा रही है। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज होंगी। अगर पाई नेटवर्क बहुत सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बन जाता है P2P के अंदर, मतलब कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे चाइना के अंदर, USA के अंदर या किसी डिफरेंट कंट्री के अंदर पेमेंट करनी है, अगर मैं डायरेक्टली पेमेंट कर पाता हूँ बहुत ही कम सेकंड के अंदर और मेरे को चार्जेस भी बहुत ना के बराबर देने पड़ते हैं, किसी एक ही प्लेटफॉर्म को देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद का यहाँ पे काम हो जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रेड पाई कॉइन एनी टाइम, आप कभी भी ट्रेड वगैरह भी कर सकते हो। प्रीमियम एंड ट्रस्टवर्दी सर्विसेज, यहाँ पे प्रीमियम एंड ट्रस्टवर्दी सर्विसेज क्यों बताया जा रहा है? प्रीमियम का मतलब सिंपल ये है कि आपको हर एक फैसिलिटी अच्छे से देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर्स बढ़ चुके हैं बट आपकी एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं कर रही या कोई सर्विसेज अच्छे से काम नहीं कर रही तो ये बेकार चीज़ है। इसीलिए सारी चीज़ें अच्छे से काम करनी चाहिए तभी उसका ऑडियंस बेस का भी मतलब बनता है। और बात रही ट्रस्टवर्दी की, ट्रस्टवर्दी का मतलब यह है कि पाई नेटवर्क अपनी जो भी चीज़ें होती हैं टेक्निकली, जैसे कि KYC कितनी कंप्लीट हुई, वॉलेट्स की रिगार्डिंग क्या चल रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, मतलब सारी चीज़ें शेयर करता है। वो अच्छी बात है, आपको पता चलता है कि हाँ एक्चुअली चल क्या रहा है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बेसिकली यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।